स्मिता परिक सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज, या यूं कह लो कि एक तरह का फैमिली मेंबर्स हैं स्मिता परिक। उनका हाल ही में सीबीआई को बयान जो है वो जारी हुआ है, उन्होंने अपना बयान सीबीआई को दिया है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो वाकई में दिल दहला देने वाली बातें हैं। वो ये हैं कि उनका साफ़ तौर से सीबीआई को कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है वो आत्महत्या नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं करी, उन्होंने सुइसाइड नहीं करी, उनका मर्डर हुआ है। सीबीआई की तरफ से पूछा गया है कि आप इतना ये बात दावे के साथ कैसे बोल रही हैं, तो उनका साफ तौर से कहना है कि आम तौर पर कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बिल्कुल भी ऐसे मिजाज का नहीं था कि उसको सुइसाइड करने तक नौबत आ जाएगी। और सुशांत सिंह राजपूत का पूरी तरीके से मर्डर हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर होने से एक दिन पहले यानी कि 13 जून को ही कुछ गड़बड़ जो है वो किया गया था। क्या गड़बड़ किया गया था? 13 जून को वहाँ के कैमरे सीसीटीवी कैमरास जो है वो सब कुछ बंद कर दिए गए थे। स्टाफ को पहले से ही जो है वो चेतन कर दिया गया था कि आप जो है वो पहले से ही स्ट्रिक्ट हो जाएं कि ऐसा होने वाला है। और फिर वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर रात में एक मिस्ट्री गर्ल और एक कोई मिस्ट्री बॉय, ये दो आते हैं और अचानक से ये सारा कांड करके छत के रास्ते से भागते हैं ताकि नीचे का रास्ता जो है वो बंद रहे। ऐसे मौके पर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास, क्योंकि जो मेन गेट था वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चालू थे, वो सीसीटीवी कैमरास अलग थे और अंदर के सीसीटीवी जो कैमरास हैं उनके कनेक्शन सभी के अलग थे, जैसा भी स्टेटमेंट बाहर निकल कर आया है। तो स्मिता परिख का ये सब कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं कर सकता था, और ऐसे में उनकी बहन उनके घर आने वाली थी, 14 या 15 तारीख में उनकी बहन उनके घर आने वाली थी, उससे पहले ही ये हादसा हो गया। उसके बाद से फिर एकदम से हड़कंप मच गई और फिर अचानक से जो है वो चहल पहल हो गई, सभी जगह जो है वो खबर पहुंचा दी गई कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करी गई, ये सरासर मर्डर है और यहाँ पर आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब हालांकि देखना होगा कि आने वाला टाइम क्या कहेगा, रिपोर्ट्स अपडेट्स जैसे ही निकल कर आती रहेंगी वैसे ही मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली पल पल की अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें।